हम जानेंगे कि क्यों भारत को नए फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है और किस तरह से भारत अपनी वायुसेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भारत अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर बने और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमारे देश के दो बड़े पड़ोसी चीन और पाकिस्तान आए दिन हमारे लिए नई चुनौतियां खड़ी करते हैं। चीन, जो तकनीकी और सैन्य ताकत में काफी आगे बढ़ चुका है, अपनी वायुसेना को अत्याधुनिक हथियारों और फाइटर जेट्स से लैस कर रहा है। उसने खुद अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाए हैं और पाकिस्तान को भी बेचने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी वायुसेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने की जरूरत महसूस हो रही है, ताकि हम अपने दुश्मनों को हर मोर्चे पर जवाब दे सकें। साल 2016 में जब भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स का सौदा किया था, तभी से यह चर्चा थी कि हमें और भी अधिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। लेकिन उस वक्त फ्रांस की कंपनियों के टर्म्स के चलते हम 36 जेट्स तक ही सीमित रह गए। लेकिन राफेल के भारत में आने के बाद हमारी वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। ये जेट्स इतनी ताकतवर हैं कि दुश्मन देश भी इनसे डरते हैं। राफेल में लगे उन्नत हथियार और तेज स्पीड इसे एक सुपर फाइटर बनाते हैं, जो किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। अब भारत की योजना है कि अपनी वायुसेना को और मजबूत करने के लिए 100 से अधिक नए राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया जाए। भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन फाइटर्स का सौदा किया जा रहा है, जो समुद्र में भी उतने ही कारगर साबित होंगे। फ्रांस भी इस बार भारत के लिए एक खास मेंटेनेंस सुविधा भारत में ही स्थापित करने की सोच रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहें। इससे राफेल विमानों की मेंटेनेंस का काम जल्दी और आसानी से हो सकेगा और हमारी सैन्य क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। भारत की रक्षा तैयारियां यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने 50 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण भी भारत में ही करने की योजना बनाई है। रूस भारत को इन विमानों के सभी जरूरी हिस्से उपलब्ध कराएगा, ताकि ये विमानों का निर्माण हमारे ही देश में हो सके। इतना ही नहीं, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO सुखोई विमानों को और भी घातक बनाने पर काम कर रहा है। इन विमानों में अब रुद्रम मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा रही हैं। ब्रह्मोस की मारक क्षमता और रुद्रम की सटीकता से ये सुखोई विमान दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे। सुखोई फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं और इस अपग्रेडेशन के बाद ये 40 साल तक सेवा में बने रह सकते हैं। भारत अपने पुराने मिग फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर रहा है, ताकि नए विमानों की डिलीवरी होने तक हमारी वायुसेना को किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स का उत्पादन बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलें और स्टेल्थ ड्रोन जैसे घातक हथियारों के विकास पर भी काम करना शुरू कर दिया है। ये नए हथियार भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेंगे, जिससे हमारी सेना किसी भी चुनौती का सामना कर सकेगी। दोस्तों, यह साफ है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारा मकसद है अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनना और दुश्मनों को कड़ा जवाब देना। फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ तकनीकी साझेदारी करके भारत ने यह दिखा दिया है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। अगर भारत इस बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स की खरीद को पूरा कर लेता है, तो न सिर्फ हमारी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि हमारे दुश्मनों को भी एक कड़ा संदेश जाएगा कि भारत किसी भी हालात में अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।